हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इस ऐतिहासिक बालसन चौराहे पर हैं और आज हमारे पीछे देख रहे हैं भरद्वाज मुनि की मूर्ति है और यह भरद्वाज पार्क है। और इस बालसन चौराहे पर आज हम आए हैं और यहाँ बहुत से युवा रोजगार की मांग को लेकर के, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नए विज्ञापन को लेकर के बहुत से प्रतियोगी छात्र आंदोलित हैं, उसका नेतृत्व युवा मंच कर रहा है। और आज इस आंदोलन को लेकर के यहाँ के प्रतियोगी छात्रों की क्या रणनीति है, आज इस बात को लेकर के चर्चा होगी। हमारे बीच हैं युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह। अनिल जी, आप लोग नए विज्ञापन को लेकर के आंदोलित हैं, इसके संबंध में आपकी क्या रणनीति है और किस प्रकार से आप आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं? आए दिन तमाम भर्तियाँ होती हैं, भ्रष्टाचारियों के हवाले पहुँच जाती है। बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का, और हमारे मुख्यमंत्री लगातार देश में पारदर्शिता पारदर्शिता चिल्ला चिल्ला करके कान पकाते हैं। साथ ही साथ प्रदेश में लगभग 5 लाख से अधिक पद खाली हैं, चाहे वो बीजेपी के जितने हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो। अभी आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती को देख लीजिए कि यूनेस्को की रिपोर्ट है कि 3,30,000 पद खाली और साहब 17,000 के जो पद खाली थे, 17,000 उनको देकर भर्ती करने के पूरा दुर्भाग्य है। हम लोगों की लड़ाई है कि LT प्राथमिक शिक्षक भर्ती, पुलिस और आपको पता है लेखपाल, इन सभी पदों का विज्ञापन सरकार चुनाव से पहले आचार संहिता से पहले जारी कर दी। साथ ही साथ दरोगा भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, इसको तत्काल पूरा पता चला। आज की हम लोगों की रणनीति यही है कि हम यहाँ बालसन चौराहे और मीटिंग के द्वारा हम लोग एक टीम बना करके सीधे लखनऊ को गार्डन पे हमारा संघर्ष करने के लिए यहाँ प्रयागराज चलेंगे। 28 तारीख को लखनऊ सड़कों पर उत्तर प्रदेश का नौजवान गोले गोले से आकर एक भाजपा संघर्ष करेगा और सरकार को बताएगा कि उत्तर प्रदेश का नौजवान जा चुका है, अगर आचार संहिता के पहले विज्ञापन नहीं आया तो उत्तर प्रदेश का नौजवान भाजपा हराओ रोजगार देश में कूच करेगा और भारतीय जनता पार्टी का नौजवान। इसीलिए यह एक बड़ी लड़ाई हम लोगों की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे छोटे साथी चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करिए, लाइव करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी आवाज़ साथियों तक पहुँचे। जो साथी अभी उनके पास सूचना नहीं पहुँची है या दस्तावेज के तौर पर रहते हैं, तो एक बहुत बड़ी संवेदना युवा मंच टीम की है कि हर युवा को गरिमा पूर्ण रोजगार मिलना चाहिए। तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। रोजगार की लड़ाई लखनऊ में चलेगी, अगर
मेडिकल 5 लाख का लोगो, जिसमें खास तौर पे पीजीडी का विज्ञापन है, जिसमें एमटी का है, जिसमें प्रतिष्ठित भर्ती का है, लोकपाल का है, पुलिस का है। ये अगर 28 को दोपहर तक जारी नहीं हुए तो लखनऊ की सर जमीन से भाजपा हटाओ उत्तर प्रदेश बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा। पूरे प्रदेश के नौजवानों ने ये मूड बना लिया है, गोली के बल पे वो नहीं लिया जा सकता है। ये जो तानाशाही है किसानों ने गुमराह दिया, कैसे तानाशाही से लड़ना है। इसलिए दोस्तों ये मीटिंग हमारी समाप्त हो रही है, 2 मिनट बोलेंगे उसके साथ मीटिंग हमारी समाप्त है। अध्यक्ष अनिल सिंह आह्वान करेंगे 3 बजे प्रयाग स्टेशन पहुंचना है। हमारा विरोध का हम आश्वस्त कर रहे हैं, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है, कल हम निकलेंगे 3 बजे प्रयाग स्टेशन पहुंचे। अध्यक्ष अनिल सिंह जी।